बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर एंड लेंस, यानी कि व्हाट इज़ द फोकल लेंस, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो पढ़ा था, है ना। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रे डायग्राम, जो मिरर है ना। अब हम पहले पूरा रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन आपके मिरर में होते हैं, रिफ्लेक्शन लेंस में होते हैं। तो पहले हम रिफ्लेक्शन ख़त्म करेंगे, है ना, मतलब मिरर वाले चीज़ें सारे ख़त्म करेंगे। आपका इमेज कैसे बनती है ना, और क्या फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन वगैरह, है ना। तो सबसे पहले, उससे पहले हम डेरिवेशन वगैरह या इमेज फॉर्मेशन से पहले हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रे डायग्राम, मतलब कोई रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी या कहाँ से होते हुए वापस आएगी, कोई फोकस से जा रही है कोई रेज तो वापस आते वक्त कहाँ जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये सारा हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, मतलब इमेज फोकस पे है तो कहाँ पर बनेगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहाँ पर बनेगा। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रे डायग्राम। ठीक, हेडिंग लगाएंगे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, ऑन मिरर। तो इसमें दोनों मिरर का हम एक साथ करेंगे। ठीक, तो यहां मैं कॉनकेव मिरर लिख देता हूं, इधर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा एक चीज याद रखना, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, अब देखो, अब पहला रूल है, यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर बना देता हूँ। कॉनकेव मिरर ये होता है बेटा, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, देखो मिड पॉइंट क्या होता है, मिरर का मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, मिरर के मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या आएगा, यहाँ पर माना इसका क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के पॉइंट को बोलते हैं फोकल, क्या बोलते हैं बेटे, फोकल, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, ये तो पढ़ा है, और इस पूरे को किससे दिखाते बेटे, आर से, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच की डिस्टेंस, पोल के बीच की डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से दिखाते हैं, और सी और पी के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकल बोलते हैं या फोकाई भी बोलते हैं, और इस फोकल और पी के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। वैसे इधर भी होगा, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के मिड पॉइंट को फोकल हो गया, और ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तो पीछे लेक्चर में देख सकता हूँ, वहाँ पर हमने पूरी डिटेल में इसको बताया। तो देखो इसमें क्या होगा बेटे,
और पी और सी से पास होने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है, द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, दोनों से होते हुए जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सी से जा रहा, तो सिर्फ सी से तो ये भी जाता ही है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। तो पहला रूल है, अगर कोई लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से आएगा, फोकस से होते हुए आ जाएगी वापस, ठीक है। ये पहला रूल है, ठीक, रिफ्लेक्शन पढ़ ले हम, है ना, पूरा रिफ्लेक्शन जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, दो तीन लेक्चर लगेंगे, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स थ्रू द फोकल, ये पहला रूल है। कहीं से भी जाएगा, देखो यहाँ से कोई भी, यहाँ से ले जाओ, ये ले जाओ, है ना, तो ये भी फोकल से होते हुए जाएगी क्योंकि ये पैरेलल है। कोई भी ले जाओ, ये पैरेलल है, तो ये फोकल से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो कोई भी रेज ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओगे तो वो कहाँ से जाएगा, वापस फोकस से या फोकल से होते हुए जाता है। वैसे यहाँ पर भी होगा, देखो यहाँ रेज, देखो यहाँ पेंट किया बेटे, तो ऑब्जेक्ट को इस साइड रखेंगे ना, जिस साइड पेंट नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे, माना ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से पैरेलल जो रेज आएगी बेटे, है ना, तो आप ये फोकस अंदर तो जाती नहीं है, आपको बताई है, तो ये ऐसे वापिस जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको आगे मिलाऊंगा तो ये कहाँ से होते हुए, ऐसा लगेगा कि फोकस से होते हुए आ रहा है। तो इसमें तो अपीयर है ना, अपीयर वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें फोकस से होते हुए जाएगा नहीं, है ना, ठीक है, क्योंकि रेज अंदर जाएगी नहीं, मिरर में अंदर नहीं जाती रेज, लेकिन यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी। तो मैं ये बोलूँगा कि इट अपीयर टू, है ना, इट अपीयर कम्स फ्रॉम द फोकस, मतलब ये ऐसा लगेगा कि फोकस से होते हुए आ रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो ये गया और यहाँ आया, तो ये तो हमें दिख जाएगा ना इस साइड, ठीक है ना। तो इसमें तो हम क्या बोलेंगे, व्हेनेवर अ लाइट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। इसमें क्या होगा, व्हेनेवर एनी रेज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर कम्स फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगेगा कि फोकस से होते हुए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल है, इसमें दूसरा रूल है, अगर कोई रेज, दूसरा रूल देखेंगे बेटे, ये कॉनकेव मिरर बना दिया फिर, है ना, अब बाकी बार बार नहीं बताऊंगा, सीधे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। दूसरा रूल है इसका उल्टा, अगर कोई रेज फोकस से होते हुए आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। उल्टा, पैरेलल है तो फोकस से आएगा और फोकस से आ रहा तो पैरेलल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी, बस यहाँ पर अपीयर वर्ड यूज़ करना है क्योंकि यहाँ जो ओरिजिनल फोकस होता है वहाँ से तो जा नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि ओरिजिनल फोकस इसका इधर होगा, क्योंकि ये सेंटर इधर होगा ना बेटे, ये जिस स्पेयर से काट रखा है तो इसका सेंटर ऐसा गोला बनाऊंगा, स्पेयर बनाऊंगा तो सेंटर उधर होगा ना, तो सेंटर उधर, फोकस भी उधर ही होगा, है ना। इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे, अगर ये रेज ले जाओ, ये ऐसा लग रहा है कहाँ जा रहा है बेटे, फोकस पर जा रहा है, आगे मिलाओगे तो ये फोकस से होते हुए चले जाएगा, बट वो अंदर जाएगा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, ये पैरेलल वापस आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसमें क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस लेंथ फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या बोलोगे, अ लाइन, देखना, ये अ लाइन अपीयर पासिंग थ्रू द फोकस, अपीयर टू पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें अपीयर हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि वहाँ जा रहा है, जा तो नहीं रहा ना, अंदर थोड़ा घुस जाएगी, बट ये अगर मैं मिलाऊंगा ऐसे डैश डैश, वो लाइन अंदर ही टच होगी, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटे, ये सी है, ये एफ है। अगर कोई लाइन
रेज लाइट रेज सी से जाएगा तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से टकराने के बाद सीधे उसी पाथ पे वापस आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि 90 डिग्री पे अगर हम कोई चीज़ ऐसे बॉल को 90 सीधे फेंकेंगे तो वो सीधे ऊपर आएगा, टेढ़ा फेंकेंगे तो टेढ़ा जाएगा। तो यहाँ सीधे जा रहा है, सीधे वापस आ रहा है, मतलब ये 90 होता है। तो कहने का मतलब है अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो मिरर पे 90 का एंगल बनाता है ना। तो क्या हो गया, रूल्स क्या हो गया, अगर कोई रेज इफ एनी रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कम्स बैक इन अ सेम पाथ। ठीक, दूसरा इसमें भी क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा बेटे, ये F है, ये C है, ठीक। तो ये माना C से जा रही कोई है, इसको आगे मिलाएंगे तो C से ही जाएगा, पर इसमें अपीयर वर्ड यूज़ करेंगे तो ऐसे लगेगा, तो ये यहाँ पर टकरा के यहीं से वापस आ जाएगा, यहीं से टकरा के, क्यों, क्योंकि आगे मिला रहे हैं तो C पर जा रहा है, वापस भी उसी पाथ पर आएगा ना। तो क्या बोलेंगे, इफ़ एनी रेज कमिंग टूअर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर टू कम्स बैक इन अ सेम पाथ, उसी पाथ पे वापस आते हुआ प्रतीत होगा जो सी की ओर जा रहा था। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो रे डायग्राम है वो है आपका ये पोल होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, इसके ठीक बीच में पोल होता है इसको, ये सी है, ये एफ है। अगर कोई रेज पोल पे ही टकरा जाए, है ना, ठीक है, तो ये जिस एंगल पे पोल पे इंसिडेंस हो रही है उसी एंगल से वापस आ जाएगा। तो ये आपका आई है और इसको आर मानते हो, है ना, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, तो आई बराबर क्या होता है बेटे, आर होता है। I बराबर क्या होता है, R, मतलब क्या है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रेज एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो जिस एंगल से ये इस पर इंसिडेंस होगा उसी एंगल से वापस आएगा। ये 30 है तो ये भी 30, ये 40 है तो ये 40, ये 45 है तो 45, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये चीज कॉन्वेक्स मिरर में हो तो ये पोल होता है, अगर ये होगा तो यहीं से वापस, ये आई है और ये आर है, तो यहाँ भी आई बराबर क्या होता है, आर होता है। लेकिन इसमें अपीयर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो दिख ही रहा है ना, टकराया, ये दिख रहा है, अंदर कोई जा रहे होगी या जाते हुए अंदर लगेगा तब उसको अपीयर वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका रे रिप्रेजेंटेशन, है ना, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रे डायग्राम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाने के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, फिर उससे न्यूमेरिकल रिलेटेड न्यूमेरिकल, फिर हम रिफ्रैक्शन में आएंगे, फिर रिफ्रैक्शन में भी हम लेंसों में यही देखेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में पहले यही रेज रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, है ना, फिर उसमें फिर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, इमेज फॉर्मेशन मतलब इमेज कैसे बनती है ना, मतलब इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ पे इमेज बनेगी, नेचुरल बनेगी, इन्फिनिटी सॉरी इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, है ना, फोकल पर हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, उल्टी बनेगी, सुलटी बनेगी, है ना, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ये सारी चीज़ें इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। इसको इरेज कर देते हैं।